उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पप्पू गिरधारी के बेटे समेत 4 नामजद और 5 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। भाजपा नेता सूरज राठौर ने बड़ा आरोप लगाया है। मतदान के दिन धमकी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बरेली से पलायन करने की धमकी देने का भी आरोप। पहले भी घर पर कब्जा करने का कर चुके हैं प्रयास। पीड़ित का कहना है 12 तारी थाना क्षेत्र के अशोक नगर का रहने वाला है ये पीड़ित। तो मतदान के दिन धमकी देने, जान से मारने की धमकी देने का यहाँ पर आरोप लगा है। पप्पू गिरधारी के बेटे समेत 4 नामजद और 5 अज्ञात पर ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और खबर देहरादून के राजपुर क्षेत्र से, जहाँ पर खाली प्लॉट में आग लग गई। कई मकान और गाड़ियां आग की चपेट में आने से बचे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। और देखिए, कई मकान और गाड़ियां यहां पर मौजूद थे जो कि आग की चपेट में आने से बच गए। तो यानी कि बड़ा हादसा होने से यहां पर टल गया। खाली प्लॉट था जिसमें आग लगी। राजपुर क्षेत्र में ये खाली प्लॉट बना हुआ था। कई मकान और गाड़ियां यहां पर थी और ऐसे में फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पा लिया। देखिए कितनी भीषण आग थी। यहाँ पर खाली प्लॉट था जिसमें आग लगी। राजपुर क्षेत्र में स्थित था ये खाली प्लॉट जिसमें कई मकान और गाड़ियां आसपास थी और आग की चपेट में आने से ये सभी बच गई। बड़ा हादसा होते हुए यहाँ पे टल गया। फायर ब्रिगेड ने इस पूरी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए प्रतिदिन पंजीकरण का आंकड़ा 30,000 से अधिक पहुंच गया है। इस कारण सरकार को भीड़ नियंत्रण करने के लिए पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ रही है। वहीं केदार घाटी में लगातार मौसम खराब होने से बारिश और बर्फबारी हो रही है और इसे देखते हुए सरकार ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नए पंजीकरण पर रोक लगाई है। हालांकि ऑफलाइन काउंटर पर यात्रियों को पंजीकरण की सुविधा मौजूद है, जिससे बिना पंजीकरण के आने वाले यात्री चारधाम में दर्शन के लिए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज ऋषिकेश से पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। दोपहर को रवाना होने वाले पहले जत्थे में करीब 20 बस होंगे। यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने वाले हैं। पवित्र धाम हेमकुंड साहिब अलकनंदा नदी के किनारे है और गोविंद घाट से यात्रा की शुरुआत होती है। गोविंद घाट से घाघरिया तक 13 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। तो पहला जत्था आज रवाना होने वाला है। 20 मई को कपाट खोलेंगे और तैयारियां सरकार द्वारा पूरी कर ली गई है। 20 बसें होने वाली है। पहले जत्थे के लिए 20 बसें रवाना होंगी। हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होने वाला है। ऋषिकेश से ये जत्था रवाना होगा और दोपहर को जो रवाना होने वाला है जत्था, उसमें आपको बता दें कि 20 बसें शामिल हैं। और साथ ही साथ यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, दुरुस्त कर ली हैं। 20 मई को कपाट खुलने वाले हैं। पहला जत्था आज रवाना हो रहा है। 20 बसें इसमें मौजूद हैं और ऐसे में पवित्र धाम हेमकुंड साहिब अलकनंदा नदी के किनारे पर बना है। आपको बता दें गोविंद घाट से यात्रा की शुरुआत होती है। गोविंद घाट से घांघरिया तक 13 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई। और देखिए चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमकुंड साहिब की जो तैयारियां थी वो जोरों पर थी और ऐसे में दुरुस्त करने की यहाँ पर कोशिश की गई। आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से यहाँ पर तैयारियों को दुरुस्त करने में खासा समय लग गया क्योंकि बर्फ को बिल्कुल हटाना पड़ा। सेना के जवान यहाँ पर तैनात थे। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है मगर हेमकुंड साहिब के आसपास अब भी बर्फ जमी हुई है। हालांकि यात्रा मार्ग से बर्फ साफ कर रास्ता तैयार कर दिया गया है। बुधवार को ऋषिकेश से पहला जत्था यानी कि आज पहला जत्था रवाना होने वाला है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को कल सुबह 10 बजे हेमकुंड साहिब के लिए रवाना करें। पहला जत्था हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास अभी कई फीट बर्फ जमी हुई है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि उसे मशीनों के जरिए साफ करना पड़ रहा है। बर्फ नेड़े नहीं, इन्होंने बहुत स्पेस खाली करता। इस वीडियो को देखिए, ये गुरुद्वारे के पास का नजारा है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि उसे हटाने के लिए मशीनें लगाई। बहुत स्पेस खाली करता। अच्छी बात यह है कि गुरुद्वारा साहिब तक रास्ता खोल दिया गया है। बर्फ को काट कर आवाजाही लायक रास्ता तैयार कर दिया गया है।
अब रास्ते को और चौड़ा किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्री आराम से हेमकुंड साहिब तक पहुँच जाए। बीस मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। 17 मई को सुबह 10 बजे ऋषिकेश से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। पंच प्यारों की अगुवाई में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे। हेमकुंड साहिब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिख धर्म के लोगों का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहां साधना की थी, इसलिए स्थान सिख धर्म के लोगों के लिए खासा अहमियत रखता है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट। और चले हेमकुंड साहिब की तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी रवि केंथुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़े, उनसे और बात करेंगे और जानकारी लेंगे। रवि, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? हेमकुंड साहिब की जो तैयारियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लिया गया? रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए रवि से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। हेमकुंड साहिब के लिए आज पहला जत्था रवाना होने वाला है। सीएम धामी तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना करने वाले हैं। 20 बसें इसमें मौजूद होने वाली हैं। और आपको बता दें कि तैयारियां जोरों पर थी, दुरुस्त कर ली गई हैं। बर्फबारी की वजह से यहां पर बाधा पैदा हुई थी, जिसके चलते बर्फ को काट कर यहां पर रास्ता तैयार किया गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि चारधाम यात्रा में बर्फबारी से जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त करने में खासा परेशानी आई थी, लेकिन ऐसे में हेमकुंड साहिब में जो तैयारियां की गई हैं उससे सबक लेकर यहां पर ये तैयारियां की गई। रवि से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल हर्षा, जो हेमकुंड साहिब की तैयारियां और जो पहला रथा है वो जो जत्था है वो आज जो है ऋषिकेश से रवाना हो रहा है। और ऐसे में क्योंकि हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं वो इस वक्त बर्फबारी की बनी हुई हैं, और ऐसे में जो पहला जत्था जब भी रवाना होता है तो वहाँ पर जो है तमाम जो तैयारियाँ होती हैं वो की जाती हैं। और ऐसे में अगर आज बात की जाए तो ऋषिकेश से जो पहला जत्था है उसको रवाना किया जा रहा है, और वहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने से जो सेना के जवान हैं वो बर्फबारी को हटाने का वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो बर्फबारी है उसने दुश्वारियाँ वहाँ पर ज़रूर बढ़ाई हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है और लगातार उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट जो है लगातार जारी हो रहा है, तो हेमकुंड साहिब में इस तरीके से जो लगातार बर्फबारी है उस पर काफ़ी दिक्कतें ज़रूर हो सकती हैं। तो जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनको अभी फिलहाल शुरुआती दिन जब तक वहाँ पर इस तरीके की बर्फबारी है वहाँ पर जाने से मना किया गया है कि वो लोग यहाँ पर ना, इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो MRP है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, वो वहाँ पर बनाई गई हैं ताकि पूरी तरीके से वहाँ पर उन तैयारियों को दुरुस्त किया जाए, और किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो स्वास्थ्य की तरफ से हर एक संभव जो है वहाँ पर प्रयास किए जाएँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है जहाँ पर जो पैदल मार्ग है जहाँ से घोड़े और खच्चरों के माध्यम से लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं, तो बर्फबारी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में फिलहाल घोड़े खच्चर वहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ पर अभी यात्रियों को पैदल ही वहाँ पर यात्रा करना होगा। तो ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो अभी फिलहाल जो है यात्रा में ना, इस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें भी यहाँ से सामने आई हैं कि किस तरीके से बर्फ़ को हटाने का लगातार वहाँ पर काम चल रहा है, और जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वहाँ पर बर्फबारी नहीं बढ़ाई है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर 8 फीट के करीब बर्फ जमी हुई है। और ऐसे में आज जो पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है उसके बाद किस तरीके की दिक्कतें परेशानियाँ वहाँ पर ना हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की ओर से हो या फिर स्थानीय प्रशासन की ओर से हो, लगातार वहाँ पर गए हैं और उनके द्वारा वहाँ पर तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरी है, पहला जत्था रवाना होने वाला है 20 मई पर, यहाँ पर कपाट खोलेंगे। अब देखना होगा कि बर्फबारी से कितनी चुनौतियां सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। केदारनाथ धाम के लिए रोजाना 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। केदारनाथ धाम के लिए 24 मई तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई थी। केदार घाटी में खराब मौसम की वजह से यात्रा में दिक्कतें भी हुई थी। तो हमने देखा कि कैसे यात्रा की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का सिलसिला चारधाम यात्रा के लिए जारी था। ऐसे में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है, पंजीकरण करवाया है। केदारनाथ धाम के लिए रोजाना 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन को देखने को मिल रहा है, यानी कि उत्साह लोगों में देखते ही बनता है। केदारनाथ धाम के लिए 24 मई तक पंजीकरण पर रोक है। केदार घाटी में खराब मौसम की वजह से यात्रा में दिक्कतें भी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जो उत्साह है वो यहाँ पर कम नहीं देखने को हुआ। तो लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर
दर्शन पूजन किए हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी और ऐसे में अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तो हमने देखा कि किस तरीके से बर्फबारी भी बहुत देखने को मिली थी शुरुआत से ही, लेकिन उसके बावजूद यात्रियों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिला, यानी कि उत्साह लोगों में देखते ही बनता है। वही केदारनाथ धाम की बात करें तो रोजाना 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और देखिए चार तस्वीरें, चार धाम के लिए अब तक 30 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ। केदारनाथ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है और केदारनाथ धाम के लिए 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की बात करें, अक्षय तृतीया के दिन यहां पर कपाट खोले थे। यमुनोत्री धाम के लिए 5 लाख से ज्यादा और गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। तो आप देखिए कितनी भारी संख्या में यात्रियों को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और उधर केदारनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। यात्रा शुरू होने के बाद से हमने देखा कि 3 लाख तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। एक तरफ खराब मौसम तीर्थ यात्रियों की परीक्षा ले रहा है, तो वहीं भगवान शंकर के भक्त भी पूरे जोश में। केदारनाथ धाम में खराब मौसम और कुदरत की चुनौतियां तीर्थ यात्रियों की परीक्षा ले रही है। कभी बर्फबारी यात्रियों की रफ्तार रोक रही है तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रियों की राह में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इस बार के यात्रा सीजन में तीर्थ यात्रियों की राह में काफी चुनौतियाँ हैं, मगर तमाम चुनौतियों के बावजूद शिव भक्तों में उत्साह बरकरार है। आस्था के आगे कुदरत की तमाम चुनौतियां कमजोर पड़ गई हैं। यात्रा शुरू होने के महज 20 दिन के भीतर ही 3 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब हर दिन करीब 15,000 तीर्थ यात्री दर्शन करने आ रहे हैं। कपाट जो केदारनाथ धाम के थे वो 25 अप्रैल को खुले थे और करीबन 20 दिन में 3 लाख के आसपास यात्रियों के द्वारा दर्शन कर लिया गया है। और ऑल्दो पहले 10 दिन आपने देखा काफ़ी बर्फबारी भी हुई है, रास्ता भी हमारे 2-3 बार एवलांच की वजह से बंद हुए, परंतु फिर भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और काफ़ी यात्रियों में उत्साह है बाबा के दर्शन करने का और उम्मीद यही है कि आने वाले 1 महीने में भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों भी दर्शन करने आए। अभी पिछले 1 सप्ताह से अगर हम देखें तो एवरेज हमारा 15-16 हज़ार का डेली दर्शनार्थियों का चल रहा है और 18-20 हज़ार तक अब आने वाले समय में यात्रियों की संख्या होने के काफ़ी चांसेस हैं। यात्रा की शुरुआती दिनों में मौसम काफी खराब रहा, जिस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी तरीके से प्रभावित रही। केदारनाथ धाम की यात्रा एक दिन के लिए रोकनी भी पड़ गई थी, मगर प्रशासन का कहना है कि अब यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। ग्लेशियर पॉइंट के आसपास जवानों की ड्यूटी लगाई गई ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर की जो समस्या थी वो बार बार बर्फबारी के कारण जो रास्ता बंद हो रहा था, वहाँ पर हमने NDRF और SDRF प्लस साथ ही हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की YMF है, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स है, DDRF है, सभी ने पुलिस विभाग के साथ कार्य करके आप देख सकते हैं कि करीब 3 लाख यात्री अभी तक यात्रा कर चुके हैं, तो उनको ग्लेशियर्स के माध्यम के दूर से पार कराया है। और अब और हमारे साथ ही हमारे 70-80 मजदूर हैं जो लगातार वहाँ कार्य कर रहे हैं, उन ग्लेशियर्स का जो रास्ता बंद है उसको काटने का, उस रास्ते को और बेहतर करने का, तो इन लोगों की वजह से ही यात्रा सुचारू रूप से चल पाई। केदारनाथ यात्रा पर जिस तरह का रुझान है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में तीर्थ यात्रियों की प्रतिदिन संख्या 18,000 से 20,000 तक पहुँच सकती है। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। आज हेमकुंड साहिब के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह और CM पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे पहले जत्थे को। करीब 2,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री ऋषिकेश से रवाना होंगे। 20 बसें होने वाली हैं इस पहले जत्थे में। 11 बजे तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया जाएगा। और हमारे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। विनोद, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? और जैसे कि हमने देखा कि बर्फबारी वहां पर बहुत ज्यादा है, तो चुनौतियां भी बहुत बड़ी होंगी बर्फबारी की वजह से।
यात्रा की शुरुआत होने वाली है और आज पहले जत्थे को ऋषिकेश से राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना करेंगे। 11 बजे ये जत्था यहाँ से ऋषिकेश गुरुद्वारे से रवाना हो जाएगी, जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि करीब 2000 तीर्थयात्रियों को, यानी जो पहले जत्था होगा उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल उत्तराखंड के गुरमीत सिंह इस ऋषिकेश गुरुद्वारे से रवाना करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही है, हर गोविंद फौजी बैंड के माध्यम से यहां प्रस्तुति दी जा रही है और जो भी यहां पर तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके सम्मान में ये बैंड यहां पर रखा गया है, इसकी प्रस्तुति यहां पर होगी। और साफ तौर पर जिस तरह से चाहे पंच प्यारे हो या कीर्तन डोली हो उसको यहाँ से जत्थे को रवाना यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ से करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर 20 मई से जिस तरह से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, आज ये पहला जत्था जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा तीर्थयात्री ऋषिकेश से रवाना होंगे। पहला पड़ाव उनका ऋषिकेश है, दूसरा पड़ाव उनका गोविंद घाट है। गोविंद घाट से करीब 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, उसको पार करके हेमकुंड साहिब के दरबार में जाना होता है। 20 मई से जिसकी विधिवत रूप से शुरुआत हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि ऋषिकेश के इस गुरुद्वारे को भी भव्य तरीके से सजाया गया है, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया चुनौतियां भी काफ़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 फीट से ज़्यादा ऐसी बर्फ है जो यात्रा मार्ग पर है और जो हेमकुंड साहिब का दरबार है वहाँ पर करीब 12 फीट अभी बर्फ जमी हुई है, जिसको जिला प्रशासन के माध्यम से हटाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर चुनौती यहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरह से चमोली के जिला प्रशासन के माध्यम से ये अपील की गई है कि चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग हों, उनको यात्रा वो करने से बचे, उनसे परहेज करें निश्चित तौर पर, क्योंकि मौसम की दुश्वारियाँ वहाँ पर देखने को मिल सकती है, तमाम दिक्कतें लोगों के सामने वहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते चमोली जिला प्रशासन ने ये श्रद्धालुओं से अपील की है। लेकिन उत्साह भी बहुत है लोगों में। पहले जत्थे में बताया जा रहा है कि 20 बसें शामिल है, तो ऐसे में उत्साह भी बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के। और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए सरकार और शासन स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई। तीर्थ यात्रियों के ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद रहने वाली। तो पहला जत्था आज रवाना होने वाला है। तैयारियों को दुरुस्त करने की कवायद काफी दिनों से जारी है। बर्फबारी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई थी, लेकिन बर्फ को हटाकर यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं, ठहरने, खाने पीने और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं मौजूद रहने की बात कही। हेमकुंड साहिब के लिए जो जो व्यवस्था होनी, जैसे केदारनाथ में जितनी व्यवस्थाएं उससे ज्यादा हम हेमकुंड में भी कर रहे हैं और MRP जो है हर जगह 2-2-3-3 किलोमीटर पे बना रहे हैं। भारत सरकार ने भी इस बार हमको पर्याप्त पैसा दिया है इस समय और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो हम पे जगह जगह टीमें तैनात हैं जो लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और 55 साल से ऊपर की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो जाए और उन्हें एडवाइस, जिसमें हाई रिस्क केसेज हैं उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो हम कुछ 35 लोगों ने एडवाइस मानते हुए अपनी यात्रा रोकी है। हम ये चाहेंगे कि लोग अपने गंतव्य स्थान से जहाँ से आएँ वहाँ से अपना पूरा चेकअप करके और डॉक्टर से एडवाइस लेके ही यात्रा पे आएँ और हम ये चाहेंगे कि सभी की यात्रा सुखद हो और सभी के लोग घर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया है। हरिद्वार की खबर है, अनुबंधित कंपनी कासा ग्रीन पर सैलरी न देने का आरोप लगा है। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने आत्मदाह की कोशिश की है। कई महीनों से नहीं मिला सफाई कर्मियों का वेतन, तो अनुबंधित कंपनी कासा ग्रीन पर सैलरी न देने का आरोप है, जिसके चलते जो गुस्साए सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने आत्मदाह की यहाँ पर कोशिश की है। और उनका आरोप है कि कई महीनों से यहाँ पर सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और इसी के चलते नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। गुस्साई सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, साथ ही साथ आत्मदाह की कोशिश भी की है। ये देखिए नारे लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने जमकर हंगामा किया है और देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और देखिए तेल छिड़क कर खुद पर आत्मदाह की कोशिश भी यहाँ पर की गई है।
उनका आरोप है कि कई महीनों से इन्हें वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, सड़क जाम की गई है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी मौजूद है। देखिए दो तस्वीरें, आत्मदाह की कोशिश तेल छिड़क कर की जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है, नारेबाजी की गई है, बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी है नगर निगम के। हमारे सहयोगी रोहित शिकोला हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, क्या कुछ है ये पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका हरिद्वार ने सफाई कर्मचारी की कंपनी को ठेका दिया हुआ था, और कंपनी द्वारा कुछ लोग मजदूर कितने सफाई कर्मचारी लगा रखे थे, उनका कई महीने का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने, एक कर्मचारी ने कल आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन सख्त है और इस मामले में जांच कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।